नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन चिकन करी का रेसिपी। तो सबसे पहले हम चिकन यूज करेंगे 1.5 किलो, और चिकन आने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम है इसे हम वॉश करेंगे 2-3 मिनट बहुत ही अच्छे से। तो अच्छे से चिकन को धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद हम मैरिनेट करेंगे चिकन को, जिसमें हम गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, चिकन मसाला 1/2 चम्मच, टर्मरिक पाउडर 1/2 चम्मच, चिली पाउडर 1/4 चम्मच, सॉल्ट 1/2 चम्मच, और कर्ड अगर आपके पास है दही तो थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल लिया है और अलग अलग कटोरी में आपको दिखाने के लिए अच्छे से सजा कर रख लिया है। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो इसे मैरिनेट करना है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई थी उसे एक एक करके आप अच्छे से चिकन में मिला सकते हैं, और एक बार जब ये चीज़ें मिल जाती है तो उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर हम इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तो मैरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपके चिकन का स्वाद है, अच्छे से मैरिनेट अगर चिकन होता है तो वो डबल स्वाद आपको मिलता है। तो इसके बाद हम साथ में अब हम चॉप करेंगे 1 किलो ओनियन, 2 टोमेटो और 4 ग्रीन चिली, डिपेंडिंग कि आपका टेस्ट कैसा है। तो ये हमने यहाँ पर प्याज, टमाटर और मिर्च को रख दिया है। अब हम इसे एक एक करके कट करेंगे। देखिए, कट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मेरी वाइफ को कट करने का ये तरीका ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो इस तरीके से कट कर रही है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक नॉर्मल तरीके से अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो। इसके बाद हम चॉपिंग जब हो जाती है तो हम इन चीज़ों को साथ में लेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, देगी मिर्च पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, गार्लिक जिंजर पेस्ट 1.5 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, तेज पत्ता के 2 पीस, खड़ा जीरा 1/2 चम्मच और 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का छोटा टुकड़ा, इन सब चीज़ों को हम लेकर रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम 200 मिलीलीटर मस्टर्ड ऑयल यूज करेंगे, और जब ये गर्म हो जाता है तो इसमें हम 2 तेज पत्ता, खड़ा जीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी छोटे टुकड़े को हम डाल देंगे। तो यहाँ देखिए, हम इसे एक एक करके गरम तेल में डाल देते हैं और इसे करीब कुछ समय तक हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। इसके बाद हम जो हमने ओनियंस को चॉप किया था, उन ओनियंस को धीरे धीरे गरम तेल में हम इसे डाल देते हैं और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भूंजते हैं। प्याज को करीब 5 मिनट तक हम इसे स्टीर करेंगे, अच्छे से भूंजेंगे, और उसके बाद हम टमाटर ले लेते हैं और टमाटर को भी अच्छे से इसमें मिला देते हैं। तो ये जो हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं, बिल्कुल आपको इसी तरीके से चीज़ें डालनी है। फिर नमक भी हम इसमें थोड़ा बहुत डाल देते हैं। नमक से फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये जल्दी से पक जाता है और आसानी से प्याज और जो टमाटर है अच्छे से गल जाता है। अगर चिकन के करी में आपको प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो आपको स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है। इसके बाद हम इसे अच्छे से स्टीर कर लेंगे और अब हम चलते हैं अपने उन मसालों के तरफ। ये सारे मसाले हैं जो हमने शुरू में निकाल लिए थे, अब इनकी बारी है। ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से गल रहा है और अब हम एक एक करके ये सारे मसाले, हल्दी और ये सब जो भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी, इसमें एक एक करके हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एक करके हम सारे मसाले कढ़ाही में डाल रहे हैं, और जब ये सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे तो फिर हम इसको अच्छे से भूंज लेंगे।
इसके बाद हम इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से पका देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है जो हमने रेडी किया है उसे हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए आप कलर्स देख सकते हो, कितना अच्छा कलर प्याज का और मसाले का आ चुका है और चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो यहाँ देखिए हम मैरिनेटेड चिकन को अच्छे से कढ़ाई में डाल देते हैं और जो पानी भी इसमें है हल्का फुल्का जो छोड़ा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इसके बाद हम चिकन को अच्छे से घुमा लेंगे कढ़ाई के अंदर ताकि सारा का सारा जो प्याज है वो चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मोस्टली हमारा काम जो रह गया है अच्छे से चिकन को भूंजना और चिकन को अच्छे से जब ये भूंज लोगे आप तो आपका स्वाद उस तरीके से अच्छा आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि चिकन पहले से काफ़ी अच्छे शेप में आ गया था। अब हम फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं, अब चिकन हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसमें 1 से 2 गिलास पानी डाल देंगे डिपेंडिंग ऑन कि आपको ग्रेवी कैसा चाहिए। अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो पानी आप ज़्यादा डाल देना, नॉर्मल तरीके से 1/2 से 1 गिलास आप डाल सकते हो और इसे अच्छे से पकाने के बाद आपका ग्रेवी भी कम होगा और खाने में काफ़ी अच्छा भी लगेगा। ज़्यादा ग्रेवी उन लोगों को पसंद होती है जो चावल के साथ चिकन को खाते हैं। अब इसे हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे। अब देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ चुका है दोस्तों। अब इसके बाद हम देगी मिर्च का 1 चम्मच और चिकन मसाला का 1 चम्मच लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। ध्यान रहे ये चीज़ें हमें लास्ट में ही डालना है। देगी मिर्च से दोस्तों कलर काफ़ी अच्छा चिकन का उभर कर आता है। इसे हम अच्छे से अपने चिकन में मिला लेंगे और 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फिर से पकाएंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ चुका है और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो और भी प्यारा कलर, इसमें गोल्डन रेड वाला जो कलर है बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। तो 15 मिनट के बाद आपका चिकन करी रेडी है। इसमें आपने धनिया पत्ता भी डालना है अगर आपके पास है, इससे क्या होगा आपका स्वाद और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारा यमी चिकन रेडी है खाने के लिए। तो आपको कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके साथ लाते रहें। थैंक यू वेरी मच।